God is not for sale. You cannot buy God. So this heartfulness meditation is free of cost. I was of the opinion कि जो real है, जो सत्य है, वो हमेशा रहेगा और जो सत्य के अलावा है वो आएगा जाएगा। मैं जीवन में जो कुछ भी पकड़ना चाहता था वो इतनी तेजी से छूट रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ मिसिंग है लाइफ में। मैंने उन ट्रेनर के पास जाना छोड़ दिया। मैंने कहा बार बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं। What specific is different with the heartfulness? Heartfulness is based on ancient Raj Yoga meditation. अब ये प्राणाहुति क्या है? तो ये प्राणाहुति जो था, it is said, it is written कि 72 generations before Raja Dashrath. So heartfulness is now spread across 160 countries, and there are millions of meditators. Your conviction, your confidence will become much more stronger that yes, I can transform myself. There is an app called Hearts App. आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। दिस ट्रांसमिशन इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। कैन वी डू लाइक 2 मिनट्स ऑफ? ओके, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, लेट्स डू इट। एवरीवन, दिस इज हर्षित भारद्वाज एंड टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऋषि रंजन जी विद मी। थैंक यू हर्षित, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई विल स्टार्ट विद तुलसीदास जी, वंडरफुल वंडरफुल लाइंस। पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप, राम चरण सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सो समथिंग दैट यू वैल्यू एंड अप्रिशिएट इनक्रेडिबली टू द हाईएस्ट ऑर्डर, यू वेयर दैट इन योर हार्ट एंड एज यू प्रैक्टिस हार्टफुलनेस, वी'd लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। वी हैड वंडरफुल डिस्कशंस ऑन तंत्र, ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन, डिफरेंट रिचुअल्स, Hare Krishna movement, the Hare Krishna Mahamantra, different schools of thought all trying to get to the same destination. So we just had a discussion before the recording about how you met the master. So I hope you're still in that zone. So tell us about that meeting again, how you felt, how you experienced, and how one single moment can pave the direction of our lives. Is it even possible? Thank you, Harshit. Yeah. So let's start with a little bit of my journey here. My journey started in 1997, and I was just fresh out of college. And, you know, when you're fresh out of college, there are a lot of identities you want to have, right? Or you are supposed to have. Or my basic problem or my basic restlessness was none of these identities, I was not comfortable with them. It seems very illusory because I was of the opinion ki jo real hai, jo satya hai, wo hamesha rahega. Aur jo satya ke alawa hai, wo aayega jayega. Now, this has been my, you know, thought process, number one. And number two is, I see the universe around, right? Beautiful, fragrant, you know, the air, the wind, the clouds, you know, the earth is moving at the perfect speed, tilted at 22 and a half degrees. Everything made sense. And what was not making sense is my purpose of life. Because everything we get, we are supposed to lose. Or it goes away naturally. It's not like anybody wants to, right? Or us waqt shayad, at that age, मैं जीवन में जो कुछ भी पकड़ना चाहता था वो इतनी तेजी से छूट रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ मिसिंग है लाइफ में। एंड दैट्स व्हेन द जर्नी ऑफ यू नो हार्टफुलनेस स्टार्टेड इन 1997 एंड आई स्टार्टेड मेडिटेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेडिटेशन से आई वोंट से कि वो इनर क्वेस्ट खत्म हो गई, बट इनर क्वेस्ट को एक दिशा मिल गई। So I was not that restless. तो मैं अपना ध्यान और उसमें प्रार्थना करके बहुत मजा आ रहा था मुझे, और मुझे लग रहा था कि कुछ साथ में है जो छूटेगा नहीं। फिर धीरे धीरे जो वहां के जो ट्रेनर्स थे हार्टफुलनेस के उस वक्त, तो मैं उनके पास जाता था, तो उनसे उनके साथ जब ध्यान होता था तो वो लोग बोलते थे कि आप मास्टर से मिले कि नहीं। तो मैं मास्टर से नहीं मिला था उस वक्त, इतना ख्याल भी नहीं था और गुरु का मुझे इतना आइडिया भी नहीं था लाइफ में। तब मैंने उन ट्रेनर के पास जाना छोड़ दिया। मैंने कहा ये बार बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं और मुझे तो जो मजा आ रहा है इसमें, तो मैं दूसरे ट्रेनर के पास गया। उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा कुछ तो इसमें है जो चीज इन लोग को पता चल जाती है और एक
मुझे आईगे का गाइडेंस मिल रहा है। तो किसी तरह करके मैंने उस वक्त हमारा आश्रम चेन्नई में मणपक्कम में था और हमारे गुरु पूज्य श्री राजगोपालाचारी जी थे जिनकी महासमाधि के बाद दाजी पूज्य दाजी हमारे गाइड बने। तो मैं फिर टिकट लेके मणपक्कम चला गया। जब मैं वहां पहुंचा आश्रम में तो सुबह का वक्त था और मैंने वेद में पुराण में गीता में मैंने वो जो दर्शन की जो भावना थी वो मैंने पढ़ी थी लेकिन मुझको फील नहीं होती थी। जब उधर से मैंने चारी जी को जब आते देखा कि एकदम सूरज एकदम उग रहा है, छन छन के उसकी धूप पेड़ों से आ रही है, हवा मंद मंद बह रही है और उधर से उनका वो रूप और लंबे चौड़े छड़ी लेके और वेष्टी और लुंगी जैसे और उनके साथ चारों ओर अभ्यासी आ रहे थे जैसे एक शेर चल रहा हो उसके साथ जंगल के सब पशु पक्षी खुशहाली से आ रहे हो। और वो आए और मेरे पास खड़े हो गए और उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली। तो मैंने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखों में ब्रह्मांड दिखा उनको, मैंने कभी सुना था मैंने पता नहीं था, लेकिन जब मैंने उन्होंने जब आंखों में आंखें डाली तो मुझे पूरा ब्रह्मांड एक विस्तृत एक्सपेंशन लगा, एक इंफिनिटी लगी, सेंस ऑफ आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ और मैं उसमें खो रहा था। तभी जैसे कोई आवाज आई ब्रह्मांड में वैसा मुझे लगा, हाउ कम आई हैव नॉट सीन यू सो लॉन्ग, कि तुम आज तक थे कहाँ, मैंने देखा क्यों नहीं। अब मैं जब वो बात सोचता हूँ आज भी उसके अलग अलग मीनिंग है, मगर मुझे लगा कि जब वो चाहता है तो उसी ने रास्ता बनाया, उसी ने दिशा दी, उसी ने अपने पास बुलाया। तो गुरु का कार्य मेरे वहां पहुंचने के कितने पहले शुरू हो गया था जब मैं शायद इस दिशा को जानता भी नहीं था, शायद मुझे इसका मतलब मेरा इट वॉज दिस से कि स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड माइंड, आई कैन नॉट, माई नॉलेज इज वेरी लिमिटेड। तो नॉलेज की लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आई थिंक वो एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ रोड ब्लॉक्स रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपना जीवन बताया, सिर्फ रोड ब्लॉक्स थे हमने, लेकिन उसने तब भी मेरा हाथ पकड़े रखा। तो यहां से मेरी शुरुआत हुई और मालिक की ईश्वर की कृपा है जो थोड़ा बहुत हम लोग सीख पा रहे हैं। वंडरफुल, इट इज ऑलवेज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि व्हेन यू रिमेंबर योर मास्टर, व्हेन यू रिमेंबर योर गुरु, व्हेन यू रिमेंबर दैट मीटिंग। आई रिमेंबर व्हेन आई मेट my guru, like you said, in seconds, in moments, so much downloads, क्षणों में असंख्य इन्फिनिटी का ज्ञान डाउनलोड हो गया, जैसे कि सारी बातें समझ में आ गई। हार्टफुलनेस इज वैसे तो इट इज वेरी वाइडली प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। Tell us more about it, considering that a lot of people probably don't know about how and what and why. Right. How is it different from traditional meditations like breathing, pranayam, anapanasati, vipassana? What specific is different with the heartfulness techniques? So, heartfulness is based on ancient Raj Yoga meditation. And it is simple meditation on heart, right? Now, what happens and what makes it different is जब हम ध्यान में जाते हैं, right? Now, ध्यान का भी एक स्पेक्ट्रम है, right? हम किसी वस्तु पे ध्यान करते हैं, right? We meditate. So, before going further, then what is ध्यान? हम बचपन से बच्चे को सिखाते हैं, बेटा देखो तुम ध्यान से काम करना, ध्यान से एग्जाम लिखना, राइट? लेकिन ध्यान क्या है ये नहीं बताते हैं, राइट? वो बेसिक ध्यान दे रहा है लेकिन वो किसी और चीज पे ध्यान दे रहा है, राइट? सो ध्यान इज वेरी इनहेरेंट टू अस, राइट? ध्यान इज किसी एक वस्तु पर केंद्रित होना बिना किसी प्रयास के, माय एबिलिटी टू बी एट अ प्लेस विदाउट एनी एफर्ट, राइट? दैट मीन्स दैट इज माय स्टेशनरी, दैट इज माय स्टेबल कंडीशन इन विच आई एम, राइट? हार्टफुलनेस क्या कहता है कि जिस वस्तु पे आप जो ध्यान कर रहे हैं वो आपके हृदय में छिपा वही आपका दिव्य रूप है, द डिविनिटी इन आवर हार्ट्स, राइट? जो हमारे हृदय में जो दिव्य है जब हम उस पे ठहराव करते हैं तब हम वो बनने लगते हैं जो हमारे अंदर दिव्य है, राइट? सिंपल टेक्निक। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई मेडिटेट ऑन हार्ट,
राइट, हृदय पे ही क्यों ध्यान करें, तो एक थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हृदय पे ध्यान। अगर आप देखें तो इन ध्यान, इन मेडिटेशन, वी वॉन्ट टू गो बियॉन्ड अ मेटीरियल कॉन्शियसनेस, राइट। हम इस जड़ की जो चेतना है उसके बियॉन्ड एक दिव्य चेतना में प्रवेश करना चाहते हैं। तो हमें स्टार्ट वहां से करना पड़ेगा जहां जड़ और चेतन की एक नॉट है, एक गांठ है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो चेतना है जो प्रवाहित हो रही है वो, उसकी जो जड़ है, उसका जो नॉट है वो हमारे हृदय में है। तो जब हम हृदय में ध्यान करते हैं तो वी समहाउ रेज आवरसेल्व्स अबव द मटेरियल कॉन्शियसनेस एंड द वाइब्रेशंस एंड वी डाइव, ट्राई टू डाइव डीप इनटू समथिंग बियॉन्ड। इसलिए हृदय पर ध्यान बताया गया है। और वैसे आपने देखा भी होगा गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि हृदय में हृदयम पश्यसि। या अगर आप देखें कि यू नो व्हेन वी से कि यू नो आई लव यू, सो वी डोंट पुट आवर हार्ट हैंड इनटू माय यू नो लेग्स और लिवर और किडनी, वी से आई लव यू, राइट। द सेंस ऑफ आई इज समवेयर इन दिस। और मनुष्य और पशु में भी अगर आप डिफरेंस देखें तो वो हृदय का प्रयोग ही है। सो समहाउ ऑल दीज लिंकर्स पॉइंट आउट कि बीइंग अ ह्यूमन मींस यूटिलाइजिंग द क्वालिटीज ऑफ योर हार्ट, राइट। सो दैट लिंकर इज देयर एनीवेज। तो पहला है कि वी मेडिटेट ऑन आवर हार्ट, नंबर वन। नंबर टू, द बिगेस्ट डिफरेंशिएशन और लिटिल डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट इज हार्टफुलनेस मेडिटेशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राणाहुति ट्रांसमिशन। इसको सूफी सभ्यता में तवज्जो का भी कहा गया है और इसका इसको हमारे वेद में भी बताया गया है कि इस तरह का कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है योग वशिष्ठ में। उसी तरह जैसे ईश्वर का जैसे संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं होता है, वैसे भी प्राणाहुति किसी एक मार्ग विशेष से संबंधित नहीं है। अब ये प्राणाहुति क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे कि जैसे हम सब लोग एक अपनी स्थिर दिशा में आ जाए, जैसे समाधि बोला गया, सम आदि, सिमिलर टू माय ओरिजिनल कंडीशन। आप कल्पना कीजिए कि हम सब अभी डिफरेंट लग रहे हैं, इनके पीछे एक वननेस है। सृष्टि की शुरुआत हुई तो एक वननेस से हुई, बिफोर द प्लैनेट्स, द स्टार्स, द मून्स, एवरीथिंग वाज जस्ट वन। उस शुरुआती दशा के पहले भी अगर आप जाइए तो एक स्टेबिलिटी थी, इनफिनाइट स्थिरता में एक सामर्थ्य था। उस सामर्थ्य जो ऊर्जा जब वो प्रवाहित होने लगी तो उसको नाम दे दिया गया प्राण या आदि शक्ति। ये शक्ति कहना भी थोड़ा सा अपभ्रंश है, इट्स लाइक फोर्सलेस फोर्स, द फर्स्ट वाइब्रेशन विच स्टार्टेड। नाउ ग्रेट मास्टर्स ऑफ हार्टफुलनेस बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू बी इन दैट कंडीशन, वो प्राणाहुति वहां से संचारित करके, वी आर हैविंग दैट प्राणाहुति विच वी फील, थ्रू विच वी आर, आवर एबिलिटी टू गो बैक टू दैट ओरिजिनल कंडीशन इज वेरी वेरी एफिशिएंट। क्योंकि कोई भी ट्रांसमिट कर सकता है लेकिन वो उस लेवल का ही ट्रांसमिट करेगा जिस लेवल की वहां तक उनका मर्जर है। बट इफ somebody is able to transmit you from that highest source itself, that helps in transformation of human beings. तो ये एक natural aid है। आप सोचिए कि जो spiritual conditions पाने के लिए हमारे पुराने ऋषि मुनि elders जंगल में जाते थे, पत्तियां खाते थे, एक पैर पे खड़े होके तपस्या करते थे, they were trying to create that ability so they are able to dive deep and able to feel that infinity in themselves. यहाँ पे as if what you are seeking is seeking you. जो आप जिसकी खोज कर रहे हैं वो आपकी खोज कर रहा है। Because of this pranahuti, the whole adhyatmik unnati, the spiritual conditions, they become very easy for any new entrant also, right? So इसीलिए 1945 में इसके श्री रामचंद्र मिशन के नाम से हार्टफुलनेस रजिस्टर हुआ और इसको श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनको हम लोग बाबूजी बोलते हैं, जो शाहजहांपुर में थे, उन्होंने किया। और उनके भी गुरु जो इसके फाउंडिंग गुरु थे, श्री रामचंद्र जी महाराज ऑफ फतेहगढ़, उन्होंने ये ट्रांसमिशन की जो पद्धति थी, जो एज ओल्ड पद्धति थी, जो कि हम लोग भूल चुके थे एज ह्यूमैनिटी, उन्होंने उसको डिस्कवर किया और फिर उसका एक सिस्टम बनाया। और तो ये प्राणाहुति जो था, इट इज सेड, इट इज रिटन कि 72 जनरेशंस बिफोर
Raja Dashrath, one of the rishis was also thinking of how to reach the reality, and then he discovered this transmission, but it got lost, was again founded, and that's how, you know, this whole system of heartfulness and the set of practices came into being. So heartfulness is now spread across 160 countries, and there are millions of meditators who can benefit from this transformation. So two things: meditation on our heart, second, transmission. Now with this transmission kya hota hai, agar aap dekhiye ki hum log jaise स्पिरिचुअलिटी जो है वो धीरे धीरे भारत में उन लोगों का काम हो गया जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे थे, तो एक तरह का जो है दो रास्ते कटगल में चले गए और वो सारी विद्या जंगल में चली गई, और जो लोग रह गए उनको वो फिर धीरे धीरे उनका डिके होने लगा, तो वो जंगल वाले चले गए, वो हमारे ऋषि मुनि एल्डर्स, और जो एक कट गए, तो कहीं ना कहीं गृहस्थ और संन्यास का भाव आ गया, राइट। इस प्राणाहुति की वजह से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, because of the simple system which has been given, and because ये अनुभव आधारित है, ये ज्ञान आधारित नहीं है, जब आप खुद करेंगे और आपका अनुभव ही आपका एक एविडेंस बनेगा, then your conviction, your confidence will become much more stronger that yes, I can transform myself. And the reason being is of this transmission which is flowing through us, right? तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल इसमें बात है प्राणाहुति, एंड दिस इज समथिंग, क्योंकि माइंड के बियॉन्ड की चीज है, सो वर्ड कैन कंस्ट्रक्ट एंड गिव यू अ सॉल्यूशन एंड आंसर, बट व्हेन यू फील इट फ्रॉम योर सोल, राइट। जैसे हमारे शरीर का भोजन है जो भोजन हम खाते हैं, मन का भोजन है जो विचार, जो बातें हम करते हैं, वैसे ही आत्मा का क्या भोजन है, राइट। प्राणाहुति इज लाइक फूड फॉर आवर सोल, और जैसे ही उस प्राणाहुति हमारे आत्मा को स्पर्श करती है, हमारे आत्मिक हमारे अंदर की बातें जो स्पर्श होती हैं उससे, जैसे कि एक पेड़ को पानी मिल गया, जैसे ही रूट्स में पानी चला गया और पूरा पेड़ लहलाने लगता है, राइट। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो इसमें हम पत्तों पे पानी नहीं डालते, हम तनों पे पानी नहीं डालते, हम रूट्स में पानी डालते, और वही प्राणाहुति हमारे आत्मा में करती। तो जब when that starts blooming, the mind starts now getting away from illusion, and when the mind starts getting away from illusion, the actions of our body are anyway starts getting regulated, right? So that's how it's a little bit, you know, different in our approach. Awesome. I actually met someone, and he has some old manuscripts of Shri Ramchandra ji, who was in Fatehgarh, some handwritten piles and piles of it. He came to us to get that published. So I was not, I didn't know. So after having our conversation today, I'll reach out to him tomorrow. And according to him, these are very rare handwritten only copies in the world. Please let us know. We'll be more than happy to take it forward. Yes. So if we go back to the origins again, you said that even 20 odd generations before Dashrath, King Dashrath, some rishi came about with this practice. So do we have any textual references, or or is it just passed on as a parampara from master disciples? So the written fact is by books written by Babuji Maharaj and Lalaji Maharaj of Fatehgarh, Shri Ramchand ji. So that's the evidence we have, right? And 72 generation before Lord Dashrath, right? That's what the written evidence is. And at that time, I think this is, not written. This is what we think is, because there was so much purity around, there was so much piousness around, that the ability to know was not through senses or knowledge. It was tadrupa gyan. It was, I am that, and that's why I know about it, right? Not like a vachak gyan, which we have right now. So that tadrupa gyan unke paas tha, and then he gave it. And in between, it went to, outside India. And that's how, if you see, the Sufi saints, those lineages
are also saying the same thing, you know. And slowly it came back to India with Lalaji Maharaj of Fatehgarh, right? So there is a detour which happened outside India, but then again it came back. So that's why it went Tawazzo there, right, as a name of Tawazzo. In Yog Vashish, there is a description of Pranahuti. In Tibeti Bodh Dharma also, there is a mention of that, right? So we see different, impressions of the same in different places, right? But I think the technique here is, if somebody is evolved to that level, right, then this thing happens. Okay. So right now, do we have any practice and session centers in India? If someone wants to start, what are the ways forward? So heartfulness meditation, right? So now, dhyan kyun karein? Right, that's a basic fundamental thing, right? We know dhyan is good. I mean, thanks to being born in India, we by birth we know, right? There is a higher cause, and there is a difference, and life is about. But Rishiji, this is a very very basic, primal, and interesting question. Exactly. Ki dhyan kyun karein? Because for most people, it is very academic and theoretical. Most people, 99% of the people who get into dhyan, they just do it for, I don't know. Yes. But once the idea is ki maybe you don't know what exists beyond this, but at least give it a shot. And once you give it a shot, like you said, we are fortunate that we are born in India. So one of the good things with our culture and tradition is that we do so many things, yes, without questioning. Cultural legacy is that we will wear a tilak, we will, wash ourselves, take a bath first thing in the morning, then pray or do what. So a lot of small things that are part, right, of our ingrained culture. And dhyan, yes, has become that as well. Right. So we do it. So for us, taking, yes, the next step is easier. But for, exactly, Westerners, they come to dhyan, exactly, as a therapy. They come to dhyan as a kind of a remedy or a therapeutic some sort of a cathartic treatment or something, yes, that will heal them, which it does, of course. So this question, dhyan kyun karein, what do you think? What do you have to, if there is a, yes, 16-year-old kid or a 20-year-old kid like you were when you started doing it, why, right, dhyan kyun karein? I think karein? This is a fundamental thing, which I think thanks to your forum, the idea here is, ये कोई ब्रह्म विद्या को पाने का एक बड़ा गोल जो है वो है, but उसके अलावा, like we go to gym, right, for mental physical fitness, right, उसी तरह ध्यान क्यों करें? क्योंकि ध्यान हमारे आंतरिक हालत, चाहे वो जैसी भी हो, उसको normalize कर, right, ध्यान हमें प्राकृतिक बनाता है, right, अप्राकृतिक चीजें तो लाखों होंगी, बट प्राकृतिक सिर्फ एक, ध्यान हमें प्राकृतिक बना देता है. ध्यान से हम किस ओर बढ़ते? ध्यान से हम स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर बढ़ते. ध्यान से हम रिएक्शन देने वाले माइंड की जगह एक रिस्पांस देने वाले हार्ट की तरफ बढ़ते. ध्यान से हम अहंकार की कैद से, अहंकार से मुक्ति की ओर बढ़ते. ध्यान से हम एक संकुचन से, मेरे ख्याल से, एक विस्तार की ओर बढ़ते. ध्यान से हम एक बेचैनी वाले मन की जगह एक शांत मन की ओर बढ़ते. ध्यान से हम एक बनावट वाले जीवन से एक असल जीवन की ओर बढ़ते. ध्यान से हम हठ की जगह स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ते. ध्यान से हम असंतुलन से एक संतुलन की ओर बढ़ते. ध्यान से हम एक भारीपन से एक हल्केपन की ओर बढ़ते हैं. और अंत में ध्यान से यहां और अभी के इस जीवन से मुक्त होकर एक शाश्वत एंड बियॉन्ड टाइम वाले अस्तित्व की ओर बढ़ते हैं. तो जैसे हम जिम जाते हैं, जिम जाने में हमारा पर्पस कुछ भी हो सकता है. कोई आपको एक है बीपी के लिए जा रहा है, कोई सिक्स पैक एब्स के लिए जा रहा है, कोई सिर्फ मौज मस्ती के लिए जा रहा है, लेकिन जिम सब जा रहे हैं. वैसे ही ध्यान के फायदे आप जो चाहेंगे वो ध्यान आपको देगा.
क्योंकि एक्चुअली ध्यान एक आपको अपने असली रूप में लाके रखता है और उसके प्रभाव आपको कई सारे मिलते जाएंगे। तो जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे जो हमारी जो चीजें जिनको हम फुलफिल करना चाहते हैं, स्ट्रेस हो गया, पीस हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, या बैलेंस हो गया, या रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि ये सब चीजें हमें क्यों असर कर रही हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो अभी संयमित नहीं। हमारे पास घड़ी है मगर समय नहीं, हम इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो ये जो बिखराव है हमारा, ध्यान उसको जुड़ाव करता है। वी डोंट एग्जिस्ट एज दिस सिंगुलर पीसेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल प्लेसेस। वी बिकम दैट वननेस एंड द डिवाइन विच वी एक्चुअली आर। तो ध्यान, और अगर आप देखें तो ध्यान हम सब करते हैं, लेकिन ये जो ध्यान की बात हो रही है वो हमारे अपने असली स्वरूप की ओर हो रही है। जैसे हम एक फोन लेते हैं तो उसका एक हायर वर्जन हम अपडेट करते हैं, उसमें मालवेयर ना आ जाए और उसमें वायरस ना आ जाए, उसमें ये ना हो जाए। अब आप सोचिए, आप सुबह उठते हैं, कितना सारा मालवेयर और वायरस हमारे अंदर आ जाता है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स विच वी आर। वी स्लीप विद दैट सेम, नेक्स्ट डे वी गेट अप विद द सेम वर्जन, वी डोंट अपग्रेड आवरसेल्व्स। ध्यान एक हमारे अंदर हमको अपग्रेड करने की व्यवस्था। बहुत सुंदर लिस्ट दिया आपने ध्यान की। मैं सभी से ये प्रश्न तो पूछने का प्रयास करता ही हूँ कि ध्यान बताइए आप क्यों। आपकी लिस्ट में से पता नहीं कौन सी एक बात किसको फिट हो जाए। एज यू सेड, इट इज रेलेवेंट टू योर पर्सनल नीड। किसी को शायद अगले जन्म या कर्मों से या वाइडर स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब ना हो। That person simply wants to be happier, slightly more happier. ठीक है, to each its own, whatever works for you, this will get you there. हमारी आपकी अगर आप देखिए, I am seeing and we have been on the fields and we do a lot of ध्यानोत्सव और in काफी events हम लोग we have been participating in it. अगर आप देखिए जो हम लोग ने ध्यानोत्सव किया उसमें हमारा product ऐसा नहीं था कि हम कुछ गाना बजा रहे थे या ऐसा नहीं था कि कुछ उसमें कॉमेडी शो था। द प्रोडक्ट ऑफ दैट वाज ओनली ध्यान एंड देयर वर पीपल, वी डिड इट इन यू नो ऑल अक्रॉस इंडिया, यू नो देयर वाज यंग पीपल हु केम, देयर वाज एल्डर्स हु केम, देयर वाज यू नो सिस्टर्स हु केम, मदर्स हु केम। द रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड समवेयर। वी ऑल आर फीलिंग कि the there is something different which we are not able to get it through common ways of doing things, right? तो एक तरह का हमारे अंदर वो existing solution पे अविश्वास and looking towards something different which is based on my experience, जो मेरा अनुभव वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक इंसान नहीं बदलेगा, right? तो ये चीज धीरे धीरे colleges में, youth में, we do lot of school connects, university connects, government connects. अभी एक you know there are lot of schools where we are going through, they are adopting this. So एक नई चेतना आ रही है मुझे, मैं बहुत भरोसा है और thanks to you know forums like you Harshit in this podcast, एक नई चेतना आ रही है। देखिए आपको भी एक विचार आया कि देखो एक ये अमूल्य चीज है, इसके बिना मनुष्य अधूरा है, राइट? तो आपने इसकी स्थापना की, तो ये भी चेतना कहीं से तो आ रही है, राइट? सो आई एम वेरी होपफुल, इट विल कम आउट वेरी वेल। जस्ट आई एम सीइंग द डिफरेंस इन पास्ट 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स यू विल सी इट विल कैच लाइक वाइल्डफायर। नहीं, दिस इज डेफिनेटली, पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी अ लॉट मोर वैरायटी ऑफ रीजंस। COVID taught us the fragility and temporariness of life, and people rushed towards finding answers. Dhyan is the simplest and most profound way to enter the portal. And thankfully, we have so many paths, so many paths to pick. Right now, it's such a wonderful time to be practicing this. So we will share all the centers of heartfulness in across India, around the world, in the description, and we'll also share other resources that people can start
and yeah. pick up. I think the question I think I and, didn't answer ki how people can start this meditation, right? So yes. yeah. So what happens yes, is we yes. spoke on the right. Now the question comes to us is okay, how can I experiment? Right? How can I start? Right. So this heartfulness meditation is free of cost. There is no charge anywhere. Mm. And the simple reason being is the founders of Heartfulness said, you cannot, God is not for sale. You you cannot buy God, right? I mean, agar aapne usko paisa deke khareed liya, to wo aapke paise ke niche aa gaya, right? Aapne usko, there is no cost for it because this is what the nature wants, right? And it is freely available, right? So it's free of cost. There are, 20,000 plus trainers worldwide who are trained to help start heartfulness meditation using pranahuti transmission. I am also a trainer and it is voluntary service. That means, it is free of cost. We contribute our time and share whatever we can learn, right? You can go physically, you go to Heartspots, you just Google Heartspots, you'll get and enter your pin code, you'll get the list of trainers which you can, go through. Now, suppose you're in a place, a lot of Western places, a lot of remote places, you don't have a trainer. There is an app called Hearts app. Aap usko download kar lijiye. You can, at least it is better than not doing it because this transmission is beyond time and space. So, help you. It is free as well. The app is also free. So, there is no charge for your spiritual upliftment because this is how the Lord ordained the world, right? So, there is, the third difference which you said, what is the difference about this, right? And we are available in schools, colleges, you can check around your areas and you'll be able to know how to start this meditation. Wonderful. Wonderful, wonderful. I think I'll just add one a little bit about the app and the virtual way of accessing spirituality. A lot of people feel that it is not as good as physically sitting in front of someone, or if you don't get to meet the master physically, how will the energy transfer? And virtually, it's not the same. But think about, this is what our guru told us, that what about Paytm and digital currency? Yes. It's the value. Yes. Right, you don't need currency, paper notes. What's the difference? Yes. It's the value you receive. So it is exactly just like that. It is. So you you'll receive the value if there is an intent and there is a transaction. So app is as good as meeting physically. Obviously, it is your choice. So there is no excuse. Yes. Download the app, try it, practice it, and you'll feel like spreading it, like Rishi ji is doing. So many volunteers are doing. And I think this volunteer network, thousands of volunteers around the world, is a testimony to the fact that it is working for you guys. Why else would you try and spread it? All the words which we just mentioned in Dhyan Kyon Karein, right? They are not just a statement. They are a transformation of existence, right? Sant wo hai jisme santulan ho. To aapko koi bhi sant agar aap dhoond rahe hain, to usme dekhiye wo santulan hai ki nahi. तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट है एंड व्हेन यू ऑपरेट एट दैट हायर कॉन्शियसनेस देर इज नो वे यू कैन सी थिंग्स डिफरेंटली देर इज ओनली वन वे ऑफ लुकिंग एट इट विच इज ऑल आर वन टुगेदर राइट तो ये सेवा भाव जो है वो हृदय से आती है ये कोई कह के आपसे जबरदस्ती नहीं कराता है एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी माय फैसिनेशन विद दिस सिस्टम इज ग्रोइंग मोर एंड मोर एवरी मेडिटेशन सेशन राइट क्योंकि ये आपको इतनी गहराई है इसमें कि आफ्टर 25-27 ईयर्स आई स्टिल फील देयर इज सो मच टू सी आई स्टिल फील कि वो मुझे सिखाना चाहता है मैं ही नहीं सीख पा रहा हूँ कैन यू सी द डिफरेंस हाउ मच द इन्फिनिटी हैज टू बी सो इट्स अ वंडरफुल सिस्टम आई मीन इसको इसमें एक आपको अंदर एक वो अगर आपके अंदर रेस्टलेसनेस है कुछ बनने की this will help you right if the heart it opens your heart and it's a transformation you'll have right so this is also good for people a lot of people are not comfortable taking a deity or archetype
or a specific school of thought, idea like Shaivism or Shakt or Vaishnavism or Hare Krishna movement, they are sometimes a little not comfortable going with a with a structure like that, right? Yes. Even Buddhist Vipassana or even Anapanasati, I've talked to a lot of people. They're like, you know, we don't want to get associated with an ideology, specific ideology. So heartfulness sounds like that it is very open and it is non-partisan in a way that it does not align with anything or it does not oppose anything. So it is a brilliant neutral ground, objective ground where you can give it a shot. And then obviously your life, your prarabdha, your sanchit karma, they will decide the way forward. Once you pehla chalan aapko lagani padegi. That's why I remember my bus trip. Agar bus trip mein nahi lagata, I wouldn't have been here. Yes, that's it. Pehli trick. That first trip, pehli chalang, that crossing the boundary, the Lord can make you wait for centuries and centuries and lifetimes and lifetimes. He is patient, but He will want you to take the first step. So you take the first step, and the first step can never be wrong. Wo insured hai, wo insure kiya hua hai ki aap lo, and then path still open. Whatever is destined, whatever, you know, credit debit bank mein hai, us hisab se. The masters of Sahaja Marg, what you have said, right? They are saying, Lord is with you, but are you with the Lord? See, that's the difference. Yes. He's there. He's everywhere. Everywhere. It's just you have to stand up and you have to acknowledge. Exactly. You just have to acknowledge. Exactly. And that's there's one of the scriptures here. It says, it's a family of souls. And souls are picked when they are ready. Mm. So now the question comes, how will I know I'm ready or not? See, like, I'm just making a quote and not making it more, transferring it to a mind region of logic, right? So how will I know the soul is ready or not, right? Yes. Jaise aapne shuruaat ki, it is just one moment. When the nature calls you, it never calls like a breaking news. Yeah. हाँ, it's a soft whisper. जैसे बाजार में माँ का कोई बच्चा पल्लू खींच रहा है धीरे धीरे कि मुझे ये चाहिए. बस yes, बहुत सुंदर, beautiful visual. That is just that. और जब तक वो हो नहीं जाएगा वो पल्लू खींचता रहेगा. वो क्षण सम्राट अशोक को युद्ध भूमि में हजारों लाखों लाशों के बीच में भी सुनाई दे गया था. और वो मंदिर की शांति में भी सुनाई दे सकता है. तो वो किसी चीज पे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करेगा. व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू आर विलिंग, व्हेन यू आर एक्नॉलेजिंग, इट हैपेंस. डोंट पुट अ इंप्रेशन ऑफ माइंड, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. वो अगर आपने डाल दिया, देन योर माइंड इज टॉकिंग, द सोल हैज स्टॉप्ड, राइट? वो थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा. दैट इज माय लर्निंग फ्रॉम माय बस ट्रिप. अगर मैं थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैंने माइंड की, ही वॉज पुशिंग मी, ही वॉज आस्किंग मी, He was waiting for me. लेकिन मैं कुछ साल डिले हो गया क्योंकि मैंने माइंड की सुनी. वो बस ट्रिप, अगर इस कन्वर्सेशन से आपको लगता है वो ट्रिप हो सकती है, आप तुरंत ले लीजिए. Absolutely. Exactly. Just go for it. Fantastic. Awesome. I absolutely love talking to you, Rishi ji. And obviously, for me, every conversation that I've had with wonderful people coming on this podcast, or we only started 3 months back, and at that time my core business is publishing books, so this is completely new ecosystem. So we were wondering ki kon aayega, nobody knows you, and it's like, but it's just people are coming. Yes. It's right people, relevant people, relevant ideas are coming, and it's just life. Exactly. It's the grace of the masters. You are participating in a nature's work. And all nature's work start very simple, very subtle, very natural. And people will join. It is all nature's work. And it's a full, it will grow. I mean, because it's a selfless work. So selfless work always grows. It is taking its course. And everyone I'm privileged to meet. For me, I always find it that this conversation of half an hour, 45 minutes, we have exchanged energies. And we've talked about our masters, we've remembered our masters, we've invoked a lot of divine energies. And this isn't just for this. There is a, I don't know, not bigger or smaller is again a mind's logic. But there is a path that is being paved where we
our energies have been synchronized. That gives me one idea. Like, can we do like 2 minutes silent prayer together? So anybody who watches this, let they be transported into, you know, the realm of, you know, reality. And let it go beyond time, not only this time, with this sankalpa. Can we do like 2 minutes of... Yes, absolutely. Absolutely. Let's do it. Thank you. Wonderful. I really sincerely thank you for your presence, Tishiji. And my namaskar to all the masters and the gurus. And I think this will reach a lot of people who need this. And something good is going to come out. Thank you, Harshit. Thanks for your time. And you know, thanks for all your effort and thanks for doing this cause for the nature. Thank you.